ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला मेरठ शहर के कचहरी के पंडित नानक चंद सभागार में, जहां मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ एवं हम ख्याल फाउंडेशन ने 23 दिसंबर 2019 को किसान दिवस एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष श्री मांगेराम एडवोकेट अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन और श्री नरेश दत्त शर्मा एडवोकेट महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ रहे, और जिसके कन्वीनर रहे शायर इरशाद बेताब एडवोकेट, जो संस्थापक हैं हम ख्याल फाउंडेशन मेरठ के। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पॉपुलर मेरठी को विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शायर अथर शकील ने किया। आइए हजरात, जिस शख्सियत ने इस मुशायरे को सजाने में अपने दिनों रात एक किए हैं, जिस नौजवान शायर ने आप ही के दयार का शायर, आप ही की बार का एक सक्रिय मिंबर, जिसको मैं सिर्फ इतना कह दूं कि उसकी शायरी में जहां वतन की मोहब्बत है, वहीं अपनी कौम को बेदार करने का, उसको जगाने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ के उसको वो दावत देना चाहता हूं, और वो शेर ये है कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग दबा दी जाए। मुलाजा फरमाएं इरशाद बेताब साहब की शायरी, उन्हीं की जबानी मैं दावत देता हूं इरशाद बेताब साहब को, आपके अपने शायर को। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जज साहब श्री पंकज मिश्रा जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने कितना कीमती वक्त हमें दिया। माननीय अध्यक्ष साहब, माननीय सेक्रेटरी साहब और मेरे सभी गुरुजन साथी, मैं दोबारा से फिर आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी साथीगण का। मैंने तो भाई अतर शकील से ये भी कहा था कि मैं तो लोकल हूँ, मेरी जो 20 मिनट है उनमें से 2-2 मिनट मेरे सभी मेहमानों में बांट दें, क्योंकि ये तो रिवायत भी है जिस हिंदुस्तान के हम हैं, बड़ा गर्व है हम के हम हिंदुस्तानी हैं। यहाँ तो अतिथि देवो भव है, यहाँ ये सब मेहमान हैं, मैं तो अपने 2-2 मिनट भी सबको देने को तैयार। आज जिस अजीम शख्सियत के लिए हमने महफिल सजाई है, मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार ताली उनके सम्मान में सभी की हो जाए। बहुत कम वक्त मैं लूंगा क्योंकि मेहमान शायर यहाँ पर हैं, मुश्किल से 3-4 शेर आपके सामने आपके हुजूर में, और ये भी फैसला कीजिए कि आपका बच्चा शायरी पढ़ता है नहीं, मेरी तालियां इनके हिस्से में पहुंचा दीजिए मेहमानों के, मैं तो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करूंगा। 4 मिसरों से अपनी बात रखूंगा बाबूजी के सम्मान में, जो उनका ख्याल था कि गम का एहसास, देखिए एक एक मिसरा, अगर मेरठ की जबान का मिसरा हो तो दाद दीजिएगा कि गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, जुल्म और दहशत को मिटाया भी तो जा सकता है, जुल्म और दहशत को मिटाया भी तो जा सकता है, हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता है, जुल्म और दहशत को मिटाया भी तो जा सकता है, हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता है। मैं एक बात एक मिनट की जरूर कहूंगा दिल साहब से कि दिल साहब आपकी फैमिली बहुत करीब थी बाबूजी के, लेकिन एक बात मुझे भी ध्यान आती है कि मेरे दादा मैंने अपने दादा के सर पर सिर्फ 2 टोपी देखी, या तो नमाज पढ़ने की टोपी या बाबूजी की दी हुई किसान टोपी। मुझे एक लम्हा याद आता है जब हमारे ट्रैक्टर में पब्लिक भरकर जा रही थी किसानों की, तो दादाजी छड़ी लिए कह रहे थे जल्दी बैठो भाई, आज तो चौधरी साहब आर पार कर देंगे, और वो आर पार ऐसा हुआ कि आप इस हिंदुस्तान के सरप्रस्त बने, आपने मेरठ की जमीन को, आपने मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ को, गरिमा को सम्मान दिया। ये 4 मिसरे मैं उनके सम्मान में पढ़ता हूं, और देखिए कि ये इनकलाबी शहर है, इनकलाबी शहर के 4 मिसरे के अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। मेरे बचपन में मेरी मां ने बताया था मुझको, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये बहुत
कम समय में, क्योंकि सबको सामान देना है, मेहमान है जो रोका टोकी मेरे तो बस की नहीं है, निजामत साहब जो कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वक्त की बंदिश है, बहुत कम मुख्तसर टाइम अपना चाहूंगा कि उनको बट जाए। देखिए कि बिल्कुल ताजा गजल, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये पानी नहीं है, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये पानी नहीं है। और अगले शेर में एक मासूम सी ख्वाहिश, एक बच्चे की मासूम ख्वाहिश आपके सामने रखता हूं कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है। देखिएगा, धुआं है फजाओं में, हालात देखिए पिछले 5 दिन पुराने, धुआं है फजाओं में जलते घरों का, धुआं है फजाओं में जलते घरों का, पतंग इस हवा में उड़ानी नहीं है, पतंग इस हवा में उड़ानी नहीं है। एक शेर और हाजिर करता हूं इसी गजल का, मुकम्मल गजल है कि है खामोश लाशें लहू बोलता है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर पॉपुलर साहब जो जहां जहां हिंदी और उर्दू दुनिया में बोली और सुनी जाती है वहां वहां पर उनकी आमद उनकी पहुंच होती है, मेरे बड़े भाई मनोज कुमार मनोज, दुनिया के 20 मुल्क में आप जा चुके हैं हिंदी के लिए, मेरठ की जमीन को रोशन करने के लिए, चमकाने के लिए, मैं उनकी सदारत उनकी अध्यक्षता में देखिए हाजिर करता हूँ कि पतंग इस हवा में उड़ानी नहीं है, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, है खामोश लाशें लहू बोलता है, हकीकत कोई कहानी नहीं है। और अब एक मिसरे पर अगर आपको पसंद आए तो बताइए कि मेरठ की बार एसोसिएशन है कि हकीकत है कोई कहानी नहीं है, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। आपके दयार में आपका बच्चा ये सनद है, आज मेरे बड़े मेरे अग्रज मेरे साथी बैठे हुए हैं, ये फैसला करेंगे अपने बच्चे का, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। और एक मेरठ की जबान का सिर्फ 2 मिनट घड़ी में देख लीजिएगा, बाकी का समय कि मोहब्बतों के समंदर में, देखिए मेरठ की जबान एक एक मिसरा, जहां ये लगे कि मेरठ का मिसरा नहीं है मेरठ की जबान नहीं है, मुझे बता दीजिए मैं वही हूं। मोहब्बतों के समंदर में यूं उतर जाएं, मोहब्बतों के समंदर में यूं उतर जाएं, वफा के साथ जिए और वफा पे मर जाएं, मोहब्बतों के समंदर में यूं उतर जाएं, वफा के साथ जिए और वफा पे मर जाएं। जमाने भर ने हमें आजमा के देख लिया, जमाने भर ने हमें आजमा के देख लिया, वो हम नहीं है कि जो टूट कर बिखर जाएं, वो हम नहीं है कि जो टूट कर बिखर जाएं, वचन पे जीते हैं हम और वचन पे मरते हैं, वचन पे जीते हैं हम और वचन पे मरते हैं, वो होते हैं जो बात से मुकर जाएं, वो होते हैं जो बात से मुकर जाएं। और जिस मिसरे के जो शेर को लिखने के लिए गजल लिखी गई वो देखिएगा, मोहब्बत का शेर है कि वो और होते हैं जो बात से मुकर जाएं, खुदा ने दी है वो तासीर तेरे चेहरे को, खुदा ने दी है वो तासीर तेरे चेहरे को, पड़े जो अक्स तेरा आईने समर जाए, पड़े जो अक्स तेरा आईने समर जाए, हर इम्तहान मंजूर है हमको बेताब, हर इम्तहान मंजूर है हमको बेताब, ये हौसला है कि शोलों में भी उतर जाए। मैं दोबारा से मैं ये अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं आभार करता हूँ मेरे बड़े भाई परवेज आलम का, जिस दिन मैंने कहा था कि मुझे प्रोग्राम करना है तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अर्जुन एडवोकेट साहब का, मेरे छोटे भाई, वो हमेशा हम कदम मेरे रहे, मेरे साथ रहे, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी इन लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं फिर अध्यक्ष साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे हौसले में जितना बढ़ा सकते थे बढ़ाए। और सुबह मेरे बड़े मेरे अग्रज हैं गजेंद्र सिंह धामा जी एडवोकेट, जब मैं सुबह इनसे मिला तो उन्होंने कहा बेटा आपने बहुत अच्छा किया और आप आगे बढ़ते रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं दोबारा से हाथ जोड़कर आपसे